ऐसे तो हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन आज हम मेनली उसके दो कॉजेज पे बात करने वाले हैं, जो कि है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और टीलोजन एफ्लुवियम। For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीपा राजानी, आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस, उसके कॉजेज़ और उसकी ट्रीटमेंट पे। ऐसे तो हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, लेकिन आज हम मेनली उसके दो कॉजेज़ पे बात करने वाले हैं, जो कि है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और टीलोजन एफ्लुवियम। सबसे पहले टीलोजन एफ्लुवियम के बारे में जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हमें अपना हेयर साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। हमारा हेयर साइकिल जो होता है वो थ्री फेजेस पे कंसिस्ट करता है, जो कि है एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टीलोजन फेज। हमारे हेयर के मैक्सिमम हेयर जो होते हैं 90% हेयर वो एनाजन फेज में होते हैं, यानी ग्रोइंग फेज में होते हैं, और जो बाकी के 8-9% ऑफ हेयर हैं वो होते हैं हमारे रेस्टिंग फेज में, जो कि है टीलोजन फेज। तो इसी वजह से जब टीलोजन फेज एंड होता है, ख़त्म होता है, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो इसीलिए अगर हम रोज़ाना भी 50 से 100 बाल भी लॉस कर रहे होते हैं तो वो नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन टीलोजन एफ्लुवियम में ये होता है कि हमारे जो मैक्सिमम स्कैल्प के बाल हैं वो एनाजन फेज, ग्रोइंग फेज से टीलोजन फेज में चले जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा शेड होना शुरू हो जाते हैं। तो वो शेड क्यों होते हैं, उसके कुछ रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला उसका जो मेन रीज़न हो सकता है कि आपको कोई भी स्ट्रेस रहा हो आपकी लाइफ में, 2 से 3 महीने पहले कोई स्ट्रेस रहा हो, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या फिर आपकी फीमेल्स में अक्सर आफ्टर डिलीवरी हेयर लॉस ज़्यादा होता है, मतलब 2 से 3 महीने के बाद उनमें हेयर लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है आफ्टर डिलीवरी, या फिर आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई हो, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या आपने बहुत कोई क्रैश डाइटिंग की हो, सडनली बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया हो, या आपकी न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसीज़ हो, जैसे आपकी आप में आयरन की डेफिशिएंसी हो, जिंक की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मेडिकेशंस पे होते हैं, सर्टेन मेडिकेशंस, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स होती हैं, रेटिनॉइड्स की वजह से भी हो सकता है, दूसरा खून पतला करने वाली दवाइयाँ कोई लेता है तो उससे भी हेयर लॉस हो सकता है, या तो आपको कोई हार्मोनल मसला हो, हार्मोन्स आपकी कुछ डिस्टर्ब हो, या फिर आपकी हाइपोथायरॉइडिज्म हो या हाइपरथायरॉइडिज्म हो। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। इसके बाद हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे और उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि 3 से 4 महीने पहले उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट तो नहीं हुआ। उसके बाद जो हमने कॉजेज़ अभी डिस्कस किए थे, हम उन कॉजेज को रूल आउट करेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, जैसे कि सीरम पेरेटिन लेवल करवा सकते हैं, विटामिन डी का लेवल करवा सकते हैं, अगर थायराइड का मसला है तो हम थायराइड प्रोफाइल करवा सकते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो हम हार्मोन्स का लेवल करवा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ जनरल टिप्स पे बात करेंगे, जैसे कि हम पेशेंट को बताएंगे कि वो अपनी स्कैल्प को अच्छे से क्लीन रखे और हो सके तो रोज़ाना शैम्पू करे। रोज़ाना शैम्पू करने से बाल नहीं गिरते हैं, और अगर रोज़ाना शैम्पू ना कर सकता हो तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन अपने स्कैल्प को स्कैल्प में शैम्पू कर सकता है। अगर उसको कोई डैंड्रफ का मसला है तो उसके लिए वो कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करे। इसके अलावा कोई भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करे, या फिर अगर कोई रिबॉन्डिंग या फिर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स जो भी हैं या केमिकल्स लाइक हेयर डाइज वगैरह, वो सब कुछ अवॉइड करे, स्पेशली जब उसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हों उस ड्यूरिंग में उसको वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। उसके अलावा ये कि अपनी डाइट को अच्छा रखना है, डाइट में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा ये कि आप अपनी अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल में मत बांधिए, टाइट बांधने से भी ट्रक्शन एलोपेशिया हो सकता है और हेयर लॉस हो सकता है। इसके अलावा हम लोग कुछ
सप्लीमेंट्स देते हैं जो कि जिसमें आयरन हो, जिंक हो, बायोटीन हो, इसके अलावा विटामिन डी, तो ये कुछ सप्लीमेंट्स दी जाती हैं जिसको जो एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक दे सकते हैं। उसका इफ़ेक्ट मैक्सिमम तो आएगा 3 महीने में, लेकिन 3 to 6 months तक दी जा सकती है। उसके अलावा भी कुछ स्प्रे फॉर्म स्प्रेज एंड सीरम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मिनोक्सिडिल स्प्रे जो कि 2% एंड 5% में अवेलेबल है, और इसके अलावा हमारे पास प्रोकैपल एंड कैपिजल स्प्रेज जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। करेंगे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसे हम मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। मेल्स में जो हेयर लॉस होने का पैटर्न वो कुछ इस तरह है कि उनकी रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, उनके बाल यहाँ से टेंपल्स से जाना स्टार्ट होते हैं और इवेंचुअली आपका पूरा वर्टिक्स जो है वो एरिया इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जो उनके साइड्स ये टेम्पोरल एरिया वाले बाल हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। और जो फीमेल्स होती है उनमें जो है सेंट्रल पार्टिंग से बाल जाना स्टार्ट होते हैं या वहाँ से थिनिंग हो जाती है, और इवेंचुअली वो भी पूरा जो वर्टेक्स एरिया वो इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद जो दोनों में जो मेन कॉजेज हैं वो बेसिकली जेनेटिक्स ही है। जेनेटिक्स मतलब अगर आपकी फैमिली में कुछ इस तरह हेयर लॉस होने का पैटर्न है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में भी ऐसे बाल जाएंगे। उसके अलावा जो है हार्मोन्स का बहुत इसमें बड़ा रोल है। मेल्स में जैसे कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर वो ज़्यादा होता है तो मेल्स में बहुत चांसेस होते हैं कि वो बाल इस तरह लॉस करें। दूसरा फीमेल्स में ये है कि अगर ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल जो मेनोपॉजल वुमेन होती है उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो। उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी पे भी डिपेंड करता है। इसकी ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास टॉपिकल स्प्रेज अवेलेबल हैं, जिनमें मिनोक्सिडिल स्प्रे अगेन अवेलेबल है, कीटाकोनाजोल शैम्पू है, उसके अलावा कुछ सिस्टमिक ट्रीटमेंट भी है, फिनिस्टराइड है, स्पायरोनोलैक्टोन है, और लास्ट ऑप्शंस जो बनते हैं वो आजकल PRP है जो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, और उसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट ऑप्शन। को मेरी कंसल्टेशन चाहिए तो आप marham.pk के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।